बात करेंगे लिंडलार कैटलिस्ट की, यानी कि लिंडलार उत्प्रेरक की। लिंडलार जो उत्प्रेरक होता है ना, इसका पहले हम केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं कि किससे मिलकर बना है। तो इसमें हाइड्रोजन तो होगी, रिडक्शन का रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसमें हाइड्रोजन तो रहेगा ही, H2 होता है, साथ में इसमें पैलेडियम धातु होती है यानी कि पैलेडियम मेटल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, प्लस इसमें कैटलिस्ट पॉइजन के रूप में लेड एस्टेट या क्यूनोलिन मिला दिया जाता है। तो देखो मेन कैटलिस्ट तो आपका ये है पैलेडियम, कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन, इसमें थोड़ा सा पॉइजनिंग की जाती है लेड एस्टेट या क्यूनोलिन की, यानी कि लेड एस्टेट और क्यूनोलिन जो आपके लिंडलार कैटलिस्ट में दिख रहे हैं वो क्या है, कैटलिस्ट पॉइजन है। एक्चुअली ये बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, वो एल्काइन को एल्केन में रिड्यूस कर सकता है, इसलिए उसकी पावर को थोड़ा सा कम करने के लिए उसमें कैटलिस्ट पॉइजन के रूप में लेड एस्टेट या क्यूनोलिन को मिलाया गया है, ताकि वो एल्काइन को एल्केन में ही कन्वर्ट करे, एल्केन में न बदल दे, इसलिए उसमें क्या मिला दिया जाता है, थोड़ा सा कैटलिस्ट पॉइजन मिला दिया जाता है। अब देखते हैं इसका काम क्या है। तो जो लिंडलार उत्प्रेरक होता है ना, ये एल्काइन को सिस एल्किन में बदल देता है, ध्यान रहना है एल्काइन को एल्किन में ही नहीं बदलता, सिस एल्किन में बदलता है। तो जब भी आपको कोई एल्काइन दिख जाए और उसका रिएक्शन इनके साथ करा दिया जाए लिंडलार कैटलिस्ट के साथ, तो वह एल्काइन बदल जाएगी सिस एल्किन में। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने ले लिया एक एल्काइन CH3C CCH3, कोई एल्काइन है और इसका रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं किसके साथ, लिंडलार कैटलिस्ट के साथ। तो ये एल्काइन जो होती है ना वो एल्किन में बदलेगी, लेकिन कौन सी एल्किन में बदलेगी, सिस में। तो देखो यहाँ ट्रिपल बांड है, वो ट्रिपल बांड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बांड में, कैसे होगा, इस बांड को तोड़ेंगे, एक हाइड्रोन यहाँ आएगा एक हाइड्रोन यहाँ, तो हमने एक हाइड्रोन यहाँ लगा दिया एक हाइड्रोन यहाँ, और जो CH3 ग्रुप है ये इस साइड लग गया और दूसरा CH3 इस साइड। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो दोनों हाइड्रोन है वो डबल बांड के एक साइड में है और दोनों CH3 जो है वो डबल बांड के इस साइड में है। तो सेम ग्रुप जब सेम साइड में होता है तो उसी को तो हम सिस बोलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो एल्काइन है वो हमारी सिस एल्किन में कन्वर्ट हो गई। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम यहाँ कोई कंपाउंड एल्काइन दे रखा है, अब यहाँ पे इसमें जो ग्रुप लगा है CH2CH3 ग्रुप इधर लगा दिया है, CH2CH3 इधर लगा दिया है, तो वो वही होगा, ये ट्रिपल बांड में से एक बांड टूटेगा, यहाँ एच यहाँ एच आएगा और वो एल्किन में बदल जाएगी। लेकिन हाइड्रोन को ऐसे जोड़ना है कि ट्रांस न बने, हाइड्रोन को सिस पोजीशन में जोड़ना है, तो हमने एक हाइड्रोन यहाँ लगा दिया एक हाइड्रोन यहाँ, और जो CH2CH3 है दोनों साइड वाले वो एक इधर CH2CH3 एक CH2CH3 इधर कर दिया। तो इस तरह से हमारा जो ये कंपाउंड बना वो क्या बन गया, एल्किन तो बना साथ में सिस एल्किन बन गया, क्योंकि दोनों हाइड्रोन क्या है सेम साइड में है और दोनों CH2CH3 किस साइड में, सेम साइड में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है लिंडलार कैटलिस्ट, एक बहुत ही सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है जिसका यूज़ करके हम एल्काइन को सिस एल्किन में बदलते हैं, और इसका जो कंपोजिशन होता है उसमें हाइड्रोजन होता है, पैलेडियम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और थोड़ी बहुत मात्रा में इसमें कैटलिस्ट पॉइजन होते हैं जिसके रूप में हम लेड एस्टेट या क्यूनोलिन का प्रयोग करते हैं। ओके।